हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक मल्टीमीटर चलाना सिखाने वाला हूँ कि ये मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करते हैं और ये मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है और इस नंबर का मतलब क्या है और ये नंबर का मतलब क्या है और ये जो साइन दिए इसका मतलब क्या है, सब मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हम वीडियो को जल्दी से चालू कर देते हैं। तो जल्दी से हम मीटर को चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जब सेट करेंगे तो आपको डीसी में 1000 वोल्ट चेक कर सकते हो। आप डीसी में जो आपका डीसी करंट होता है बैटरी का, वो आप 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हो। और जब यहाँ पर लेकर जाएंगे तो मिनिमम आप 200 वोल्ट का डीसी करंट चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट पर अपन अपनी 9 वोल्ट की बैटरी आप चेक कर सकते हो। 3.7 वोल्ट की बैटरी भी चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। देखो, इसकी जो दो रॉड होती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, देख सकते हो आप। देखो, मेरे पास एक मोबाइल एक फ़ोन की बैटरी है जिसमें मैं एक माइनस, ये देखो रेड वाला वायर प्लस है, रेड वाला वायर प्लस को लगाऊंगा और ब्लैक वाला वायर माइनस है। देखो, इसमें रीडिंग शो कर रही है। देखो 3.80 के 70 के ऐसे दिखा रहा है समथिंग। देखो, अपना मल्टीमीटर वर्केबल खुद दिखा रहा है। अपने बैटरी अपनी फुल चार्ज देख सकते हो। अपने को यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है, 3.8 वोल्ट है यहाँ पर देख रहा शो कर रहा है। इसको अपन अलग कर देते हैं। और भी आपको देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 200 का, यहाँ पर 200 mAh का mAh का रहता है। इसको अपन स्किप कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टेंस जो अपने 1K 2K रजिस्टेंस रहता है, वहाँ पर आप ये अपनी यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन स्किप कर देते हैं, जाएंगे इसकी ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये बड़ी काम की चीज़ है दोस्तों। इसे अपन बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास एक 555 DC मोटर है मेरे पास। तो इसको चेक करना है ये चालू है कि नहीं है। चेक करने के सिंपली मेरे को सिर्फ इसके जो पीछे के दो रॉड है, उसमें अपने को दो लगा देना है। देखो, इसमें साउंड का आवाज़ कर दे रहा है, देख सकते हो अपने साउंड के। अपने ये अपने को इंडिकेट कर रहा है कि मोटर अपनी फुल ऑन है, देख सकते हो। तो जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये अपने बजर ऑन हो गया उसका। इसको मैं साइड में रख देते हैं। देखते हो, और एक मोटर मेरे पास है वाली, एक जनरेटर मोटर, इसको भी चेक करेंगे। देखो, इसका भी साउंड ऑन होने के हो चुका है, देख सकते हो। कुछ इस प्रकार साउंड आ रहा है। और मेरे पास एक बोगियर मोटर है, इसका भी अपन चेक करने वाले हैं। बीबी बज रहा है, देखो आवाज़ कर रहा है। देखो, इस प्रकार से आप सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर समझो आपका कोई वायर खराब हो चुका है, फिर खराब हो चुका है, समझो मेरे कई चीज़ में कनेक्शन नहीं आ रहे होंगे, तो मैं इसको वैसे वायर को चेक कर सकते हो। इस प्रकार से जहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो इसमें से। और इस पर आप बहुत कुछ, इस पर इसका टेम्परेचर कैसे चेक करने कुछ तो पे रहता है यहाँ पर। और जो HFE होता है, यहाँ पर अपन ट्रांजिस्टर ये भी चेक कर सकते हो। आप ये वर्किंग कंडीशन में, ये थोड़ा कंपनी अलग कंपनी का, आपको ओरिजिनल कंपनी का मल्टीमीटर लेना है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डीसी करंट को गिना जाता है, मतलब 720 में जो घर में आपको 240 वोल्ट आता है, वहाँ पे इससे अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हो अपने घर के बोर्ड में कितना करंट आ रहा है, आप वो भी देख सकते हो। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।